लंटेन छाप के झंडा रहा हमारे द्वार पर टांगा रहा उतार के लोग जला दल वही खातिर बोलल गए तो मार कल इन्होंने मतलब आकर मतलब रात को धमकी दिया कि कोयरी साला चमार साला सब आरजेडी को वोट दे दिया है मतलब जात के नाम लेकर कहल हलो जात के नाम लेकर जाति जात पात के भेव भात मतलब अंडसंड गाड़ी फजत देवे लागल भाजपा के लोग तो मरल जीवन आरा गोली भैल तो हम जा गनी है तरह भाला घीच के मार चलन गोड़े पर आज 11 तारीख के लगभग 11:30 हो रहे हैं दिन का समय है और अभी इस वक्त हम सिवान सदर अस्पताल में हैं। यहाँ एक मामला प्रकाश में आया है जो गोरिया कोठी से संबंधित है। वहाँ पर नूतन वर्मा कैंडिडेट थी राजद के तरफ से और देवेश कांत सिंह कैंडिडेट थे भाजपा के तरफ से। इन दोनों लोगों के समर्थकों में एक विवाद की स्थिति बनी जिसमें हमें बताया गया यहाँ पर जो लोग पीड़ित पक्ष हैं उनका कहना है कि एक जो राजद के समर्थक लोग थे उन्होंने अपने दरवाजे पर राजद का झंडा गाड़ रखा था जिसे इनके मुताबिक जो ऊंची जाति के जो लोग भाजपा के लोग जो समर्थक हैं वो लोग उस राजद के झंडे को उस व्यक्ति के दरवाजे से उखाड़ कर उसे जला डालते हैं और मारपीट करते हैं। घायल होने की स्थिति बनी हुई है जैसा कि हम यहाँ पर हम सदर अस्पताल में देख पा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी हम आगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिकता ये होगी कि पहले इलाज कराया जाए उसके बाद मामला पुलिस में भी जाएगा और FIR ये दर्ज कराएंगे। ये इतना कुछ था कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये इस तरह की स्थिति जबकि बिहार में NDA की सरकार बन गई है एक स्थिर सरकार बन गई है और इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लंटेन छाप के झंडा रहा हमारे द्वार पर टांगा रहा उतार के लोग जला दल वही खातिर बोलल गए तो मार कल लोग भुंजार लोग भुंजार कौन पार्टी के वो भाजपा की कौन कैंडिडेट गोरिया कुटी में के कैंडिडेट रहा देश कांत सिंह उधर आदमी रहा लो जी वहाँ के बीजेपी के महामंत्री अखिलानंद सिंह खुद मार में शामिल थे मार करवाए और मारे झंडा खातिर मारपीट भर रहा मरल वालों नित्यानंद सिंह संपूर्णानंद सिंह के दो जना लड़का लोग और वो दोनों भाई अखिलानंद सिंह ये सब जना द्वार पर लालटेन के झंडा रहो वही खातिर उखाड़ पखाड़ के जरौले वालों एगो लड़का रहो बोलने खातिर कहल सा तो वही खातिर ये लोग मरल पिटले बा। इन्होंने मतलब आकर मतलब रात को धमकी दिया कि कोयरी साला चमार साला सब RJD को वोट दे दिया है कैसे कहाँ निकलता है कहाँ उनका जाति सूचक शब्द यूज किए हैं प्रयोग जाति सूचक मतलब जात के नाम लेकर कहल हलो जात के नाम लेकर जात के ना हरजन और कोयरी के नाम लेकर बोला है लो कि साला RJD का सब वोट दे दिया है कल से उनका बकरी कहाँ जाती है वो लोग कहाँ घास करने जाते हैं कल साले को आई लालू मुर्दाबाद साले को कल झंडा जराएंगे और कल सुबह मेरा झंडा उतार कर सामने और जला दिया लोग ठीक ना आज सुबह में वहीं हम लोग माने करने पर सारे लोग मतलब पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे BJP के समर्थक लोग और वो सब वहाँ का जिम्मेदार है हम लोग मतलब खेत मजदूर में काम करने वाले हैं उन्हीं लोग के अब ये लोग मतलब दबाव बनाते हैं कि एक पिछला कलर का अगर कहीं निकल जाएगा नेतागिरी में तो कोई मतलब मेरा घास कौन गढ़ेगा मेरा द्वार साफ कौन करेगा इस तरीके का उन लोग का मनोबल है कि पिछला अगर निकल रहा है कैसे वो मतलब RJD को वोट देता है उसी पर मतलब हम लोगों पर हमला वो लोग बोले हैं और मतलब मारपीट किए हैं लगभग मतलब इसमें 5-7 आदमी घायल है माने करने पर लाठी डंडा और भाला से अटैक किए हैं लोग। अच्छा कौ आदमी लगभग घायल बा लगभग में 7 आदमी 6 आदमी हाँ बताइए हरा गुली भर फोन का निशान है देख सकते हैं ये पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी है इस वृद्ध का अभी भी खून के जो निशान हैं वो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। हालांकि जो प्राथमिक उपचार है वो तमाम चीज़ें यहाँ सदर अस्पताल में की गई हैं। बताइए हरा गोली भैल तो हम जा गनी है तरह भाला घीच के मार चलन गोड़े पर हम बगल जब हम गणेश प्रसाद जी तो रुआ के मैंने उल्लू अटैक कर रुआ हाँ
भाला घीच के मार दल हम गिर गनी है। गिरला के बाद में एक आदमी घीच के हटावल हो तो वो लोग भाग चल हो। यह बात बा महिला लोग पर भी हमला भेल हो। हाँ हाँ कहाँ बड़ी झंडा खाती बात भेल हो। झंडा हमने के द्वार पर गाड़ल रलो उ लो आयल हलो उखाड़ के फेंके लागल हलो हमने के माना कनी हसन ना मानल हलो। जाति जात पात के भेवा भात मतलब अंडसंड गारी फजत देवे लागल हलो। जात के जात के नाम के गाली दे गाली दल हलो। हाँ तो वही पर हमने के बोलनी हसन तब तो माने लाठी भाला उ लो मतलब पूरा प्लान के साथ हमने के माने खोआ ईंटा डंटा गोजी चलावे लागल हलो। आ जे छोड़ावे गल हो लागल हो जे ओजी रोल ओकरो लागल हो। का नाम हो रहा हमार लक्ष्मी कुमारी नाम है। आइए आप यहीं पर रहिए यहीं पर रहिए आप अपना काम करते रहिए। जी बताएं क्या भइल रहल पति के हमरा मारत रहल हो एथी से एथी से डांटा से बांस से बात से मारत रहल तो गहनी हो कि अथी एगो लड़का रहल वही लड़कवा के इनको के इहो के तो जाके देखो नहीं हो तो फर कहीं से कने जमुआ दे घीच ली तले उन्ने से चलावे लगल हलो ईंटा ईंट वाले जमुआ घीचे घीचे तले ईंटवा लग गल हटे। मंगल सूत्र घेट में रहल वो घीच ले ले बालो नित्या सिंह के बेटा रहा हाँ नित्या सिंह रहा हमार आ उनका दू जना बेटा बालो सपूर्णा सिंह बारन भाजपा के लोग उन लोगों का है कि मतलब कैसे मतलब हम लोग के कहला रहला में नहीं खेलो ठीक ना। हम लोग के अथी है लोकतंत्र के हनन करते लोग जबकि हम लोग चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र होकर वोट दें ठीक ना। इसके अथी से मतलब उन लोग पूरा प्लानिंग के साथ जितने फॉरवर्ड वहाँ के लगभग है उसमें एक दो छोड़कर बाकी सब लोग हम लोग पे अटैक किए। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी है मेरी चाची है मर जाएगी अगर मतलब ये उस दरबार में जाने से जी सकती है तो हम ले नहीं जा सकते हैं। मरने के लिए इंतज़ार करेंगे कि भले मर जाए लेकिन दरबारी करने नहीं जाएंगे और नहीं करेंगे। हम प्रशासन से मांग यही करेंगे कि मेरी जीवन का रक्षा करें। हम पे बहुत अटैक होगा सारे लोग अटैक करने के लिए तैयारी है। बहुत लोग हालत को तो भर जाता हम गई नहीं है देखे लड़का खा पीट के मार तला तो गई लड़को को यहाँ घींचे तो मर लान जो जी गई छाती है दुखाता है बाती टूट गई गिर गई है कान के फूल रहा बेचारा घींच रहा है सो गिर गई छाती मरल बोले चोटे कान के पूरा घींच रहा